हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 का न्यू अपडेट आया है 22.00.706। उसके बारे में बात करेंगे, इसको कैसे अपडेट करते हैं, इसके अंदर क्या क्या नया है, क्या क्या बग फिक्स हुआ है, ये सब बात करेंगे। और प्लीज़ गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले करंट वर्जन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा करंट वर्जन। अभी आपको मैं इसको अपडेट करके दिखाऊंगा लेटेस्ट वर्जन में। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख जाएगा विंडो अपडेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक फॉर अपडेट दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह से अपडेट चेकिंग शुरू हो जाएगा। और आपके केस में भी जो भी अपडेट अवेलेबल होगा, यानी जो लेटेस्ट वाला अभी अपडेट आया है 22.00.706, वो यहाँ पे आपको इसके नीचे दिख जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके नीचे दिख जाएगा, आप देख रहे हैं ये आ चुका है। ऐसे ही आपके केस में भी ये वाला अपडेट यहाँ पे आ जाएगा। ये अपडेट रिलीज प्रीव्यू चैनल वालों के लिए है, तो इस तरह से आपके केस में भी ये अपडेट मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है। ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा, ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा, उसके बाद ही आपको रीस्टार्ट के लिए पूछेगा। तो आपको क्या करना है, रीस्टार्ट पे क्लिक करके इसको अपडेट कर देना है। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये अपडेट हो चुका होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। यानी तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, इसके बाद सेटिंग पे जाना है, इसके बाद यहाँ पे अपडेट दिख जाएगा इसके ऊपर आपको जाना है, इसके बाद यहाँ पे अपडेट हिस्ट्री दिखेगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये अपडेट हो चुका है। अब हम बात करते हैं इस अपडेट के अंदर क्या क्या नया फीचर आया है, क्या क्या बग फिक्स हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। इस अपडेट में आपको फैमिली सेफ्टी के लिए एक न्यू अपडेट मिल जाएगा। इसके अंदर अब आप ये वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए जो भी टाइम आप लिमिट सेट करते हैं उससे ज्यादा यदि आपका चाइल्ड यूज करना चाहते तो आपके वेरिफिकेशन के बिना वो यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद अब आपको इस अपडेट के अंदर एक नया फीचर मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो विंडो स्पॉटलाइट मिल जाएगा। ये अब आपको डेस्कटॉप के ऊपर भी काम करेगा, यानी आपका डेस्कटॉप का बैकग्राउंड डेली चेंज होता रहेगा। यहाँ पे आप सेट कर दीजिएगा इस तरह से, तो आपके केस में ये डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड होगा वो डेली हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे लॉक स्क्रीन में काम करता है, सेम तरीके से यहाँ पे भी अब आपके केस में भी काम करना शुरू कर देगा। तो ये नया फीचर इसके अंदर ऐड किया है, तो इस तरह से आप इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो बग फिक्स हुआ है वो टेक्स्ट इनपुट होस्ट डॉट exe इसके अंदर स्टॉप वर्किंग आ जाता था, तो इस इशू को इसके अंदर फिक्स कर दिया है, अब आपको वो इशू नहीं मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे भी सर्च के लिए
भी बग फिक्स किया है। सर्च इंडेक्सर डॉट exe के अंदर बग था, उस बग को इसके अंदर फिक्स कर दिया है। इस अपडेट से आप AAD एक्टिवेशन को बाईपास कर सकते हैं। इसके बाद जो बग फिक्स किया है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि आप 32 बिट वाला एप्लीकेशन यूज करते थे तो यहाँ पे CPU का एक एरर आता था, उस एरर को इस अपडेट के अंदर फिक्स कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर मॉनिटरिंग टूल के अंदर भी बग था, उस मॉनिटरिंग टूल के अंदर जो बग था उस बग को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे बिट लॉकर में बग था, साइलेंट इंक्रिप्शन के अंदर बग था, उस बग को इसके अंदर फिक्स कर दिया है। इसके बाद इस अपडेट के अंदर TPM ड्राइवर का जो इशू था, उस इशू को इसके अंदर फिक्स कर दिया है। इसके बाद जो बग फिक्स हुआ है वो डिस्प्ले के अंदर है। DPI यदि आप 100% कर देते थे, यानी 100% स्केल कर देते थे, तो यहाँ पे एक बग था, उस बग को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यदि आप इसका बैकअप लेके CD या पेन ड्राइव के अंदर बैकअप लेते थे, उसके बाद जब आप इसको रिस्टोर करने की कोशिश करते थे तो उस टाइम पे यहाँ पे एक बग आता था, उस बग को भी इसके अंदर फिक्स कर दिया है। बाकी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे नोट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जितना भी बग फिक्स हुआ है वो सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ज्यादातर बग ही फिक्स हुआ है। जो नया दो फीचर था वो फीचर मैं आपको बता चुका हूँ। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।